नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रतिदिन एक उपाय बताया जाता है। ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, यानी आप पर कोई भी दशा है, आप किसी भी राशि के स्वामी हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। यह उपाय आप सूर्य डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है। सूर्य डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा। इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी बदल भी चुकी है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। जय साई राम। अब हम बात करेंगे 22 मार्च 2020 के उपाय की। रविवार का दिन है। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक कर्फ्यू मोदी जी ने अनाउंस किया है, उसमें आप सहायक जरूर होइए। पब्लिक कर्फ्यू क्या होता है? आपकी इच्छा के अनुसार अपने आप को घर के अंदर रखना, इसे ही पब्लिक कर्फ्यू कहा जाएगा। आपको बाहर जाने के लिए कोई रोकेगा नहीं, परंतु आप खुद को रोकेंगे। और शाम 5 बजे अपनी बालकोनी में खड़े होकर या तो ताली बजाएंगे या थाली बजाएंगे। ये इसलिए कि जो कोरोना में मरीजों की मदद कर रहे हैं पब्लिक में, और आप देख रहे हैं कि हमारी सेवा कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, उनका उपचार कर रहे हैं, हमें ताली पीट कर उनको ये बताना है कि उनका कार्य सराहनीय है और हम उनके कार्य की प्रशंसा करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वह अपने कार्य को दुगनी शक्ति के साथ अंजाम देंगे। तो अब हम बात करेंगे आज के उपाय की, रविवार के उपाय की। एक केला ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। इसको या तो धर्म स्थान में दीजिए या जल प्रवाह करिए, या फिर आप पानी में जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर आप वृक्ष के पास रख दीजिए, किसी धर्म स्थान में दे दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। ये उपाय आपको बहुत अधिक शक्ति देगा, बहुत अधिक। और सूर्य को जल दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। सूर्य को जल इसलिए नहीं दिया जाता कि जल सूर्य तक पहुंच जाता है, इसलिए दिया जाता है कि उसमें से हम जब सूर्य की किरणों के दर्शन करते हैं तो किरणें फिल्टर होकर, एक तो फिल्टर होकर हमारी आंखों में जाती है, दूसरा 100 गुना होकर हमारी आंखों में जाती है, जिससे कि हमें बहुत शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हमारा सूर्य उच्च का हो जाता है। यानी यदि हम नंगी आंख से देखते हैं सूर्य को तो 1 गुना जाती है, और वो भी फिल्टर हुए बिना। परंतु जब हम उसको पानी में से देखते हैं तो 100 गुना हो जाती है, और फिर हमें वो 100 गुना तेज़ी से मिलती है, जिससे हमारा सूर्य उच्च का हो जाता है, हमें विशेष शक्ति मिलती है। तो आज का राहु काल नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आज कर्फ्यू है। आपने सिर्फ अपने निवास पर रहना है, कहीं नहीं जाना है। और क्योंकि ये क्रम तभी टूटेगा, वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि एक दिन ये संक्रमण ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान से इंसान को ना हो, तो जो हवा में फैला हुआ है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक दिन जब हम बाहर नहीं जाएंगे तो हवा में संक्रमण नहीं जाएगा, और जो पहले से आ चुका है, जैसे मॉल की लिफ्ट में आ चुका है, सड़कों पर आ चुका है, गार्डन्स में आ चुका है, वो समाप्त हो जाएगा। तो जो आने वाले दिनों में केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए ये आपने करना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, देश के लिए। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं।
₹700 आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपके जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और